कार चले मेरी पास चलती ना स्लो मेरे यार सारे गाड़ी पर ओजी शब ब्रो ओजी शब कोस मोदी सब कोस गाड़ी चले तेज चलो बंदो आई बी फक राइडर जिन मन रिव्यू प्रोवाइडर को ब्लॉक करे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइब गाड़ी चले मेरी फ्लो में स्लो सी नाम मुसाफिर का जोशी ये इक्के की ट्रेल मैंने शो की। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आप लोगों का फाइनल और थर्ड पार्ट में स्वागत है। और आप लोगों ने अभी तक क्या देखा था? सबसे पहले हमारा जो किया का था पूरा का पूरा पेंटिंग वाला प्रोसेस चल रहा था, और उससे भी पहले मैंने आप लोगों को मिरर लगते हुए दिखाया, और उसके बाद क्रोम लगाते हुए दिखाया, क्या क्या पार्ट्स थे वो लगाते हुए दिखाए। तो अब जो है आप लोगों ने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने पूरी हेडलाइट अपग्रेड कर ली है, टेललाइट अपग्रेड कर ली है, साइड से लुक बन चुका है, साइड मिरर वाला बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और सब चीज़ें कपलर टू कपलर हुई थी। तो अब आप लोगों को मैंने जब वो वीडियो एंड हुई थी तो मैंने आप लोगों को नाइट मोड नहीं दिखाया था, डे मोड नहीं दिखाया था। आज की वीडियो में आप लोग वो देखोगे, और साथ ही साथ मैंने कॉस्टिंग जो है ऊपर कैप्शन में रिवील कर दी है कि क्या कॉस्टिंग थी, तो उसके बारे में भी आप लोगों को जो है आइडिया मिल जाएगा। सो एक बार उसको देखो और फिर हम लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगे। इसके बाद हमारे डिटेलिंग बुल वाले भाई जो है वो काम में फिर से लग चुके हैं। ऑलमोस्ट जो है 7:30 बज चुके हैं। हमारी गाड़ी में एक साइड में जो है PPF कंप्लीट हो चुकी है। भाई ने यहाँ पर PPF चढ़ा दी। अब ओवर द टाइम क्या होगा, इसमें थोड़ी सी मिट्टी लगेगी तो ये अपने आप ही बम्पर के साथ में जो है मैच हो जाएगी। मीनवाइल यहाँ पर साइड मिरर्स में हम लोग रैप लगवा रहे हैं, और अगर एक बार ये हटेंगे भाई तो मैं एक बार दिखा दूंगा ऑडियंस को ना, यहाँ पर हमारा साइड मिरर लग गया। हमारी प्लानिंग क्या है, हम केवल साइड मिरर्स को ब्लैक करा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, आगे ग्लॉसी ब्लैक वाला लुक है, साइड में थोड़ा ग्लॉसी ब्लैक वाला लुक आ जाएगा, तो थोड़ा गाड़ी जो है वो अच्छी सी देखने में लगेगी, और ऐसा ही कुछ प्लानिंग, और अच्छी लग रही है देखने में। क्योंकि रूफ ब्लैक कराएंगे फिर थोड़ा सा वही है पुलिस वाली दिक्कत रहती है, तो वो चीज़ जो है जितना हो सके उसको अच्छी तरीके से हम लोग कर लेंगे, और गाड़ी का जो लुक है वो असली निकल के आएगा। आप लोगों को डे मोड ज़रूर दिखाऊंगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। अब देखो ये तो लाइटें लगी है यहाँ पर, तो लाइटों में आप बोलोगे भाई सब चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन जब बाहर वाला लुक आएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। फाइनली जो स्टांस आ रहा है वो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, और मॉर्निंग में आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। सामने ग्लॉसी, साइड में ग्लॉसी, ऊपर कुछ नहीं करा रहे, और यहाँ पर हमारा जो PPF वाला पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन थोड़े दिन बाद जब ये पूरी गंदी हो जाएगी तब ये एक जैसी दिखेगी। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ज़रूर बताना कैसी लगी आप लोगों को, थोड़ी सी गंदी भी हो रखी है, साफ भी कर देंगे अच्छे से। ठीक है, और ये वाला जो क्रोम है, और ये वाला जो क्रोम है ये हम लोगों ने अपना लगाया, बाकी हम लोगों ने जो है सारा ओरिजिनल वाला लगाया। नाइट मोड में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को एक बार रिस्पॉन्स जो है वो चेकआउट करा देते हैं कि कैसा क्या देखने को आप लोगों को मिलने वाला है। केवल इग्निशन ऑन करो, ठीक है? तो इग्निशन ऑन होने में ये ज़बरदस्त TRS आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी लाइट इतनी ज़्यादा तेज़ है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। ठीक है, तो मतलब अब हम लोगों का जो DRL वाला चीज़ है वो सॉर्टेड हो चुका है। ठीक है, अब इसका गाड़ी ऑन कर लो एक बारी आप। अब आप पार्किंग में डालो। ठीक है, तो पार्किंग के साथ में आप लोगों को जो चीज़ अब देखने को मिलने वाली है, तो ये जो है ये आप लोगों के स्वीपिंग DRL से, ठीक है, और नीचे के जो आपके फॉग लैंप्स हैं अब ये पार्किंग में ऑन हुआ करेंगे। ठीक है, कितना जस्टिस हो पा रहा है पता नहीं, लेकिन खुद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब हेडलाइट ऑन कर दो। ठीक है, तो हेडलाइट जो है वो हमने थोड़ी पीली वाली डलवा रखी है, तो इसका रिस्पॉन्स अगर आप देखोगे बड़ा ज़बरदस्त है। हाई बीम लो बीम कर दो, वो देखो लो बीम हाई बीम, थोड़ी गाड़ी टेढ़ी खड़ी हुई है। ठीक है, और एक भी कोई भी एरर जो है इसके अंदर नहीं आया, ऑल दो पहले लाइटिंग वाला एरर दिख रहा था लेकिन अब कुछ नहीं आ रहा। ठीक है आकृति, पूरी लाइट एक बार ही बंद कर दे। ठीक है, तो अगर आप पीछे आते हो आकृति ब्रेक मार के दिखाओ, तो पहले जब ब्रेक वाली लाइट थी तो वो केवल लाइट यही जलती थी। ठीक है, तो अब जो है पूरी जलती है, मतलब बेसिकली बेस मॉडल में केवल आप लोगों की लेफ्ट साइड में वायरिंग दी होती है। अब पूरा इग्निशन ऑन कर दो, मतलब पूरी लाइट सारी ऑन कर दो। ठीक है, और अब अगर ब्रेक मारते हो दिखाओ, देखो तो आप लोगों की ये जलेगी ब्रेक में और ये चलेगी। पहले क्या हो रहा था, ब्रेक में केवल ये जल रही थी, ऑल दो पहले जब फुल लाइट जलाते थे तो पूरी तो जल जाती थी लेकिन ब्रेक मारने में पूरा नहीं आता था। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को जो है एक आइडिया मिल चुका। सो गाइस, डे मोड में आप लोगों का स्वागत है। कल रात को आज सुबह जो है अच्छी खासी वाली बारिश हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा पानी वानी जो है वो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो है मॉडिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। साथ ही साथ में लोग जो है कॉस्टिंग भी जानना चाहते हैं, तो आप लोगों ने कैप्शन में कॉस्टिंग पढ़ लिया है। अब उस कॉस्टिंग के बारे में अगर बात करें, 1.5 लाख रुपये में मैंने क्या क्या अपग्रेड कराया वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने इसमें HTK+ की हेडलाइट डाली है। ठीक है, इसमें मैंने ग्रिल डाली है, अपर लोअर जो क्रोम आता है, और ये बेसिकली सेटअप होता है पूरा पूरा जो आपको भाई लोगों ने पिछली वीडियो में बताया था कि इसके पीछे जो है इसको रोकने का, इसको स्टेबल रखने की चीज़ें जो होती है वो सब चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड होती है। उसको फ्रंट सेटअप के अंदर ही
जो है हम लोग बोलते हैं, और साथ ही साथ में इस 1.5 लाख रुपए के अंदर जो साइड फेंडर पेंटिंग और फिलिंग वाला कुछ भी नहीं है, जो 1.5 लाख रुपए मैं बता रहा हूँ वो जो मैंने स्पेयर्स लगाया है वो इंक्लूडेड है। इवन जो फॉग लैम्प्स है ये मैंने पहले लगवा लिए थे, आई गेस उस टाइम पे ये अराउंड 10,000 रुपए के रहे होंगे, मैं आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, लेकिन 10,000 रुपए करीब के रहे होंगे जितना मुझे लगता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग जो साइड में देख रहे हैं ये क्लैडिंग, ठीक है, तो ये भी उसके अंदर इंक्लूड है, ये भी हमने GT लाइन टाइप लगाई है, टाइप क्या मतलब GT लाइन ही है, साइड मिरर फोल्डेबल और साइड मिरर्स, एक साइड मिरर वो भी आते हैं जिसमें यहाँ पर कैमरे लगे आते हैं और आप 360 इनेबल कर सकते हो, 1500 से 2000 या 3000 रुपए का फ़र्क होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। रियर की तरफ में कल रात को आप लोगों ने ये अपडेट नहीं देखा होगा, ये अपडेट मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। तो हम लोगों ने जो है GT लाइन वाला बम्पर डाल दिया विथ रेड स्किड जो होती है, ठीक है, तो ये बेसिकली एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट वो है, चौथा पार्ट ये है और पांचवा पार्ट ये बम्पर है। इसी के साथ में जो आप लोगों की टेल लाइट्स है वो हमारी चेंज हुई है, टेल लाइट्स के साथ ये क्रोम आता है, ये सेंटर क्रोम अलग से ख़रीदा था। ये जो आप लोग छोटे छोटे क्रोम के पार्ट देख रहे हो ना ये बहुत महंगे हैं, मतलब अराउंड 5,700-6,000 रुपये इतने अराउंड के ये सामान पड़ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने एक आइडिया जो है इसके बारे में अच्छा खासा वाला जो है दे दिया है, कई सारे लोगों ने रिकमेंड किया कि स्पॉइलर लगाना चाहिए, स्पॉइलर की ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, 1500 से 2000 रुपये का इसका स्पॉइलर आता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग उसका भी अपग्रेड जो है अपने उसमें करा लेंगे। तो 1.5 लाख के अंदर आप लोगों का जो और चीज़ इंक्लूड होती है वो आप लोगों को बता देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग साइड मिरर के बटन चेक कर लीजिए, ठीक है, ये भी जो है ये पूरा साइड मिरर फोल्डेबल के साथ में आते हैं। उसके बाद मैंने ये जो IRVM है ये मैंने ओरिजिनल वाला IRVM लगवाया है इसमें, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि भाई जो मैंने पहले वाला ट्राई किया था उसमें मेरे को बस एक वही फील कहते ना कि OEM वाली फील चाहिए, तो मैंने इसलिए OEM वाला लगवा लिया, और बाकी तो सब चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। आप लोगों को एक बार कपलर्स और चेक करा देता हूँ, उस दिन तो आपको चेक कराए थे, आज भी आप लोग एक बार कपलर चेक करते हैं। अगर आप लोग देखना चाहे कि इन्होंने कैसे वायरिंग करी है, तो अगर आप, ये कंपनी का ओरिजिनल सॉकेट है, इसमें आप लोग देख सकते हैं प्रोटेक्शन, बेसिकली आप लोगों के रबर्स होते हैं जिसके साथ आप लोगों की ये तारें लगी होती है, सेम इनका जो कपलर है वो भी वैसे लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कपलर परफेक्ट है, उसको टाई बेल्ट मैंने बंधवा रखा है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे टाई बेल्ट जो है अच्छी तरीके से बंधा हुआ है, HID का जो ब्लास्टर है वो नीचे लगा हुआ है इसका ब्लास्टर, यहाँ पर लाइटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। और इनिशियल जब स्टार्टिंग में मैंने ये लाइट ली थी तो तब मेरे को हल्की फुल्की फॉगिंग की दिक्कत आई थी, तो वो मैंने भाई लोगों से शेयर भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि जब HID लगा रहे होते हैं अगर ज़्यादा टाइम तक खुली रह जाती है तो तब आता है, उसके बाद से अभी तक तो कुछ आया नहीं है, बारिश भी हो चुकी है, अगर आगे कुछ भी अपडेट होगा आप लोगों को मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए भाई गाड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है, अभी बस एक मोड जो कराना रह रहा है वो साइड मिरर्स मैंने रैप करा रखे थे, मेरे को इसको पेंट ही कराना पड़ेगा क्योंकि रैप सक्सेसफुल नहीं है, हाई स्पीड में वो साइड से निकल जाता है, ऑल दो मैंने वहाँ पर भी क्या बोलते हैं रेडियम वाली टेप लगाई हुई है लेकिन वो काम नहीं कर रही है, तो ऐसा कुछ आइडिया जो है आप लोगों को मिल चुका है। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को जो है आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया तो नीचे आप लोग प्यार मोहब्बत देके जाना लाइक शेयर कमेंट करके। और इसी के साथ में आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो पूरी की पूरी मॉडिफिकेशन है ये मैंने पूरी OEM में की है, सारा का सारा ओरिजिनल पार्ट है किया की तरफ से, और जितना भी कपलर वाला सीन था वो भाई लोगों ने मेरे को करके दिया था, और ये चीज़ मैंने क्रॉस चेक की है कि भाई लोग ऐसे तो नहीं बोलते कि हम कपलर टू कपलर करते, इन्होंने जनरली कपलर टू कपलर किया था। बाकी इसका जो रिव्यू होगा वो मैं आपको 3 से 6 महीने बाद फिर से दूंगा कि मैं किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं फेस कर रहा, किसी तरीके की प्रॉब्लम तो मेरे को नहीं आ रही है। तो होप सो कि आप लोगों को जो है कुछ सुनने को ना मिले और सब कुछ जो है बढ़िया अच्छी तरीके से रहे, लेकिन एक आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया। अगेन 1.5 लाख रुपए मैंने स्पेंड किए, और कुछ लोग कहेंगे कि भैया इतने में तो आपका इससे ऊपर वाला वेरियंट आ जाता, तो भाई XYZ बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे, मैं उन चीज़ को काउंटर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि 2 साल के बाद जो है मैं ये चीज़ करवाना चाहता था और मैं इसको ढूंढ पहले से रहा था, लेकिन मेरे को भाई लोग जो है वो बहुत बाद में मिले। सो होप फॉर दी बेस्ट, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम मुसाफिर 7811, फेसबुक मुसाफिर कास्ट, और आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड